राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विश्व श्रवण दिवस के मौके पर 3 मार्च को हियरिंग केयर फॉर ऑल जांच पर आधारित एक दिवसीय सेमिनार ऑनलाइन का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन सेमिनार में विशेषज्ञ अपना व्याख्यान देंगे और लोगों को बहरेपन से बचने के बारे में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही एसोसिएशन प्रदेश के सभी जिलों में कान की देखभाल के प्रति जागरूकता लाने हेतु शिविर भी लगाए जाएंगे। वही कान रोग से बचाव एवं इसके उपचार की जानकारी को जन सामान्य तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने की बात कही। सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है, क्या कुछ खास रहेगा सेमिनार का और उद्देश्य क्या है? देखिए, कल विश्व श्रवण दिवस है, वर्ल्ड हियरिंग डे, और इसी के अवसर पर ये एक वेबिनार का आयोजन है लोगों में जन जागरूकता के लिए कि लोगों में जो धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम होती चली जा रही है या कई बार लोगों को यह भी नहीं पता चलता कि उनके घर में जो नवजात शिशु पैदा हुआ है उसकी सुनने की क्षमता कम है तो समय पर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है और चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं लोगों की, और जो ध्वनि प्रदूषण की वजह से भी जो एक बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बन गया है वह भी एक कारण है लोगों की सुनने की क्षमता कम होने का, और इसकी वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन भी आता है, मानसिक विकार भी पैदा होते हैं, डिप्रेशन आता है और कई बार आत्महत्या तक की प्रवृत्ति होने लगती है। अभी इन दिनों लगातार ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, बच्चों ने ईयरफोन लगाकर घंटों घंटों क्लासेस अटेंड की हैं। अब इसके बाद जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में उनकी सुनने की क्षमता पर क्या फ़र्क पड़ा है। जो नवजात शिशु पैदा होते हैं उनकी जब सुनने की क्षमता कम होती है और यदि हम समय पर उसे पहचान नहीं पाए तो आगे जाकर उसकी बोलने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब वो सुन नहीं पाता है तो उस चीज़ का रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाता है, और जब वो सुनेगा नहीं, बोल नहीं पाएगा ठीक से, तो कहीं ना कहीं उसकी ज्ञान अर्जित करने की क्षमता भी कम होती है, उसके अंदर डिप्रेशन और समाज से अलग थलग खुद को समझने लगता है, तो ये उसके बच्चे के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो माता पिता को भी जागृत करना हमारा काम है कि वे समय पर बच्चे को ध्यान दें, और उन्हें अगर कहीं भी ऐसा लगे कि सुनने की क्षमता कम हो गई है या किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि अब आजू बाजू वाले लोग मुझसे बहुत तेज़ आवाज़ में बात करने लगे हैं या आपस में क्या बात कर रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या कान में लगातार सीटी जैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। और साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में लोग जागृत हों और ऊंची आवाज़ जो चौक चौराहों पर है या लाउड स्पीकर से समारोह में आवाज़ की जाती है उसके खिलाफ लोग खुद समझें, खुद उस चीज़ों को कम करें, और जो लोग नहीं मान रहे उनके खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो इसकी वजह से लोगों में शारीरिक और मानसिक बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और उसको हम तो ट्रीटमेंट करते ही हैं, लेकिन बेहतर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि चीज़ों को जल्दी से पहचान कर और उसका निराकरण किया जा सके। मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, अध्यक्ष IMA रायपुर। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।